योनो का लास्ट अपडेट में एक बहुत बढ़िया सा फीचर ऐड किया गया है, जिसके मदद से आप योनो SBI ऐप का जो लॉगिन पासवर्ड है उसको बहुत आसानी से रीसेट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैं पहले एक वीडियो बनाया था और आज मैं लाइव दिखाऊंगा कैसे उस ऑप्शन को यूज करके आप अपना योनो का लॉगिन पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर साइड में आपको मेरा योनो SBI का स्क्रीन दिख रहा होगा और यहाँ पे देखिए लॉगिन पेज में ओपन कर लिया। और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली लॉगिन में क्लिक कर देना है। और लॉगिन में जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सभी को पता है यहाँ पे दो तरह का लॉगिन ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक है MPIN से, सेकेंड है यूजर आईडी पासवर्ड से। तो सबसे पहले आपको यूजर आईडी में क्लिक कर देना है। और जैसे ही यूजर आईडी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो आपके पास यूजर नेम है लेकिन पासवर्ड नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या करना है, आपको सिंपली नीचे कांट लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का और एक पेज आपके सामने आता है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है जो पासवर्ड रीसेटिंग का ऑप्शन है। तो सिंपली आपको यहाँ पे आपको यूजर नेम दिख रहा होगा, उसके बाद प्रोफाइल पासवर्ड दिख रहा होगा, उसके बाद ATM कार्ड और पिन नंबर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो रीसेटिंग का ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन अवेलेबल है रीसेट करने के लिए। पहला है आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है, जो जिसको ट्रांजेक्शन पासवर्ड बोला जाता है, उसके मदद से आपका लॉगिन पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो ATM कार्ड से रीसेट कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोफाइल पासवर्ड के मदद से कैसे आप सिर्फ 2 मिनट में आपका लॉगिन पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपका यूजर नेम डालना है। अगर यूजर नेम नहीं है तो कोई इश्यूज नहीं है, मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है कि कैसे आपका यूजर नेम रिकवर कर सकते हैं। वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो सिंपली इसमें भर दीजिए आपका यूजर नेम, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल पासवर्ड भर दीजिए। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज भर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे जो नेक्स्ट बटन है वो हाईलाइट कर जाएगा, उसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे भर दिया यूजर नेम और प्रोफाइल पासवर्ड, उसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो गया है, उसमें मैं क्लिक करूंगा। और जैसे ही देखिए क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे और एक पेज ओपन होके आया है और यहाँ पे क्लियरली लिखा है जो आपका जो नया पासवर्ड होगा लॉगिन पासवर्ड, उसको आप सेट कर लीजिए। और पासवर्ड कैसा होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आपको पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि पासवर्ड कैसा होगा। पासवर्ड आपको 8 से 20 डिजिट तक होना चाहिए, इसके अंदर होगा। 8 डिजिट के नीचे नहीं होना चाहिए, 20 डिजिट के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें अल्फा न्यूमेरिकल, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका नेम राजू है तो आपको क्या करना होगा, raju@123rcapital में डालना होगा, इस तरह का आपको डालना होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देके दिखा दूंगा स्क्रीन में, उस तरह से आप क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड क्रिएट करूँगा। तो मैंने पासवर्ड सेट कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म बटन है, उसमें क्लिक कर दिया। और जैसे ही क्लिक किया, देखिए आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे भरना है। तो मेरे पास OTP आ गया है, मैं यहाँ पे OTP भर दूंगा। OTP दे दिया, उसके बाद सबमिट में क्लिक किया। और जैसे ही सबमिट में क्लिक किया, देखिए एक पॉपअप यहाँ पे निकल के आया है, पासवर्ड चेंज्ड, योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज्ड, प्लीज़ लॉग इन यूजिंग न्यू पासवर्ड। यानी आपका जो लॉगिन पासवर्ड है उसको चेंज कर दिया गया है, रीसेटिंग कंप्लीट हो चुका है और आप जो नया पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई भी इसे कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में आप आपका जो लॉगिन पासवर्ड है उसे रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत छोटा सा, सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो कैसा लगा यह वीडियो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक में देख रहे हैं, हमारा पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपका फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद।